शिवानी है। मेरा नाम तनु है। कौन सी क्लास में आए हो इस साल? मैं इस साल 7th में। और आप? मैं 10th में। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो अभी प्रेजेंटली? सर्वोदय कन्या विद्यालय। क्या एड्रेस है उसका? उत्तम नगर में है। हस्तशाल उत्तम नगर में आप पढ़ रहे हो। तो अब क्या आपको क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है स्कूल से? मतलब हम जहाँ पे अभी शिफ्ट हुए वहाँ से वो दूर हो जाता है हमारा स्कूल, तो उस वजह से दिक्कत हो रही है आने जाने में। वो वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे, जिसकी वजह से हम जाने में हमारे को दिक्कत है। और स्कूल से अगर ट्रांसफर के लिए हमारी बात हुई थी तो स्कूल वालों ने मना कर दिया ट्रांसफर के लिए, और बोले कि सीट नहीं है। तो आप अब कहाँ ट्रांसफर मतलब कहाँ पे ले लिया है मकान आप? मतलब डाबरी एक्सटेंशन में चले गए हैं। तो डाबरी एक्सटेंशन में जो स्कूल है वो ये कह रहा है कि सीट नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ से उत्तम नगर से आपको डाबरी में ट्रांसफर लेना है ना। तो अगर आपको वहां पे नहीं मिलेगा तो फिर क्या दिक्कत होगी आपको? स्कूल नहीं जा पाएंगे, रेगुलर स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो ये तो कोई ग्राउंड नहीं है कि सीट नहीं है। सीट क्या होती है? सीट तो आप घर से भी ले जा सकते हो, एक दो नहीं ले जाएंगे घर से नहीं ले जा सकते सीट? वहां नहीं है तो अपने घर से ले जाएंगे सीट है। टाट पट्टी भी तो लोग ले जाते हैं, वो रोल करके ले जाते हैं स्कूल में, फिर अपना ले आते हैं। जमीन पे बैठते हैं बच्चे तो टाट पट्टी लेके जाते नहीं है, तो सीट भी ले जा सकते हैं आप। तो दिल्ली सरकार को एडमिशन देना चाहिए, वहां पर ट्रांसफर करना चाहिए, कोई वजह नहीं है। और हम लिखेंगे गवर्नमेंट को, और अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो हमें अगर कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो आपके लिए कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है?